हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम हॉर्नबिल की बुक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को खुशवंत सिंह ने लिखे हैं, जो अपना ग्रैंड मदर की यादगार के लिए उस स्टोरी को किस तरह उनके साथ इंटीमेसी था। और एक खुशी की बात है, हमारे भारत के लेखक हैं जो खुशवंत सिंह। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर पूरे कहानी को समझना है, दिस इज नॉट स्टोरी, दिस इज रियली इंसिडेंट अबाउट ऑथर्स ग्रैंड मदर। ही शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। विशेष तौर से स्टोरी को मैंने 8 भागों में बांटा हूं, जो आपको समझने में आसान होगा। फर्स्ट है इनिशियल ईयर टुगेदरनेस, लाइफ इन द विलेज। सॉरी, फर्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर एंड सेकेंड इनिशियल ईयर्स ऑफ ग्रैंड टुगेदरनेस, लाइफ इन द विलेज। ऑथर के साथ, खुशवंत सिंह के साथ उनका जो इनिशियल टुगेदरनेस, जो एक साथ रहा करते थे, उस संदर्भ में है। तीसरा पॉइंट जो है, टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, लाइफ इन द सिटी। किस तरह शहरों में एक टर्निंग पॉइंट, जो बच्चा जब छोटा रहता है तो दादी माँ के साथ होता है, उसके बाद धीरे धीरे डिट्रैचमेंट थोड़ा सा अलग होता है, वो टर्निंग पॉइंट जब वो शहर में जाते हैं, उस लाइफ को तीसरा भाग में भाग के हम। द ग्रैंड मदर कम्बैट हर लोनलीनेस बाय फीडिंग द स्पैरोस। और ग्रैंड मदर किस तरह लोनलीनेस, अकेलापन की जिंदगी जीते हुए स्पैरो को दाना खिलाते हैं। फिफ्थ, ऑथर्स लिव्स फॉर हायर स्टडी। ऑथर्स जो खुशवंत सिंह जो अपने हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। एंड सिक्स पार्ट में ऑथर्स होम कमिंग, जो लेखक हायर स्टडी करके वापस आते हैं। एंड सेवेंथ, ग्रैंड मदर्स डेथ, दादी माँ का मौत। लास्टली ए साइलेंट ट्रिब्यूट बाय द स्पैरोस, जो स्पैरो को खिलाया करती थी, उसी संदर्भ में वो दादी माँ के देहांत के बाद उन लोग ट्रिब्यूट देते हैं उस संदर्भ में। और लास्टली मैंने इस स्टोरी का थीम बनाया हूँ, जिसे आप सभी स्टोरी का एक समझ सकते हैं जिस्ट, उसे एक ही चैप्टर में, एक ही ये में आप लोग आसानी से उस समझ सकते हैं। इसलिए इस शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, और सिंपल शब्दों में इसे एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। लेट्स बिगिन। और बिगिन करने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक मेरे चैनल कर चुके हैं उसके थैंक यू, और जो नहीं किए हैं अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे और भी वीडियो इस तरह के क्लास का और अन्य वीडियो बनाने में मदद हो। लेट्स बिगिन टुडेज चैप्टर हॉर्नबिल बुक से, द पोर्ट्रेट लेडी बाय खुशवंत सिंह। We are seeing here about the portrait lady the portrait of a lady who is written Khushwant Singh. As I told you, this is not the only story, this really real incident with Khushwant Singh. Is अध्याय को इस समझने से पहले हम खुशवंत सिंह के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। खुशवंत सिंह वाज एन इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन।
His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956. Khushwant Singh जो एक लेखक थे, एक लॉयर भी थे, डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट भी थे वो, और उनके जो अनुभव हैं जब हमारे भारत देश पाकिस्तान से पार्टीशन हुआ था उस समय उन्होंने किताब लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके माध्यम से वो पॉपुलर हो गए थे। उनकी पैदाइश 2 फरवरी 1915 हडाली पाकिस्तान, उनका डाइड ही डाइड 20 मार्च 2014 सुजन सिंह पार्क में दिल्ली में उनका समाधि दिया गया। उनका पत्नी का नाम है कवल मलिक, एजुकेशन जीसीयू मोर, बहुत अवार्ड उनको सम्मानित किया पद्म भूषण पद्म विभूषण से। दिस इज कुशवंत सिंह। इन दिस स्टोरी द ऑथर ड्रॉस ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। पोर्ट्रेट मीन्स जो चित्र है उसको एक चित्र बना करके इमेज पेश करना। ही ब्यूटिफुली अनफोल्ड हिज रिलेशनशिप विथ हर, जो बहुत अच्छा सुंदर एक अनफोल्ड तो उसको खुला करना, खोलना जो रिलेशन था ग्रैंड मदर के साथ में, जो दादी माँ के साथ होता है नाती का, उसे वो प्रकट करते, वो इसमें डिस्क्राइब करते हैं। वाइल डिस्क्राइबिंग हर अपीयरेंस एंड डेली एक्टिविटीज, उसके अपीयरेंस के बारे में और उसके डेली एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे खुशवंत सिंह लिखते हैं। राइटर इज राइटिंग अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर, पहले भाग में दादी माँ का जो एक्सपीरियंस, ग्रैंड मदर के एक्सपीरियंस के बारे में खुशवंत सिंह कहते हैं। दिस फिगर आई हैव टेकन, दिस इज नॉट एग्जैक्टली सी बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जस्ट इट इज बीन टेकन टू शो यू। द ऑथर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज अ वेरी ओल्ड लेडी विथ अ रिंकल फेस। रिंकल फेस में झुरिया जब हो जाती है ना चेहरे पे, थोड़ा दागे आ जाती हैं उस तरह। शी अपीयर्ड सो ओल्ड दैट इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट शी हैड वांस बीन यंग एंड प्रेटी। और इतना वो बुजुर्ग हो गई थी, शी वॉज बिकम दैट मच ओल्ड, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट शी वंस अपॉन टाइम शी वॉज यंग ऑन प्रेटी। वो ब्यूटिफुल थी और इतना जवानी में थी, जवान थी। शी वॉज अ शॉर्ट फैट अ लिटिल स्टूप्ड इन अपीयरेंस, शॉर्ट थी फैट एंड थोड़ा सा स्टूप्ड अपीयरेंस चेहरे में दिखने में ऐसा थी। द ऑथर रिमेंबर्स हर मूविंग अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट। ऑथर याद करता है, ऑथर मीन्स कुशवंत सिंह, वो याद करता है उनकी जो मूविंग, उसकी जो हलचल जो हो रहा था पूरा स्पॉटलेस वाइट। काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, हमेशा क्या कहता, रोजरी मीन्स जो माला होता है, माला इस तरह लोग क्या करते हैं उसे लेकर के ऐसे करते रहते हैं, रोजरी को यूज करते हैं। आई वॉज ब्रिंगिंग टू शो यू रोजरी। इन द ट्रेडिशनल सेंस डियर फ्रेंड, लाइक वाइज वन रोजरी विल बी देयर बीट्स, दिस इज नॉट मोती बट शी वॉज डूइंग समथिंग दैट लाइक मोती। सो शी वॉज ऑलवेज लोनली वेन एवर शी वॉज, शी ऑलवेज शी डिवोटेड टूवर्ड्स गॉड। वाइल हर लिप्स मूव्ड कॉन्स्टेंटली, उसका मुख लिप्स क्या है ये चल रहा था हमेशा, साइलेंट प्रेयर। शी वॉज नॉट प्रेटी इन द ट्रेडिशनल सेंस, ट्रेडिशनल सेंस में तो प्रेटी नहीं थी, एट हर सैनिटी मेड हर ब्यूटिफुल। सैनिटी मतलब उसकी जो शांत स्वभाव है वो उसे और भी सुंदर बनाता है। रिंकल हैविंग लाइन्स ऑल्स, यू कैन सी द मीनिंग।
इनिशियल ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस लाइफ इन द विलेज, जो गांव पे लेखक के साथ, ऑथर के साथ जो टुगेदरनेस था उसके बारे में इस भागों में। इन द इनिशियल ईयर ऑफ द लाइफ ऑथर लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। ऑथर शुरुआत में कहाँ रहते थे? विलेज में। शेयरिंग ए गुड फ्रेंडशिप हिज ग्रैंड मदर यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल। उसे सुबह उठाया करती थी और स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। शी शुड हैंड ओवर टू हिम द थिंग्स ही रिक्वायर्ड इन द स्कूल, और जो कुछ चीज़ें उसे स्कूल के लिए जरूरत पड़ता था सब कुछ उसे हैंड ओवर कर देती थी। आफ्टर हैविंग लीव फॉर स्कूल, जब हम स्कूल के लिए जाते हैं, आफ्टर हैविंग थिक स्टेल चपाती, उसे क्या देती थी? मोटे साथ जो चपाती है, स्टेल बासी वाला, स्टेल मतलब बासी, बासी चपाती रात का बना हुआ, उसे देती थी। उसे कैसा करती थी? बटर से, बटर एंड शुगर फॉर ब्रेकफास्ट दे यूज टू लीव फॉर स्कूल। और इस तरह उसके नाश्ता के लिए क्या तैयारी करती थी? थिक स्टेल चपाती विथ बटर एंड शुगर, वो लगा करके शुगर के साथ में उसे तैयारी करके नाश्ता में देती थी और उसके साथ स्कूल लेकर जाती थी, ये भी छोड़ने के लिए चली जाती थी स्कूल तक। द ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज एकम्पानीड हिम टू स्कूल, हमेशा कुशवंत सिंह के साथ में उसके ग्रैंड मदर स्कूल छोड़ने जाती थी, हमेशा उसके साथ रहती थी। एज इट वॉज अटैच, हमेशा मीन्स स्कूल तक वो छोड़ देती थी, उसके बाद वो कहाँ जाती थी? टेम्पल में, मंदिर में जाती थी। इट वॉज हर हैबिट टू कैरी सेवरल स्टेल चपाती फॉर द विलेज डॉग, और बासी चपाती ले जाती थी, बहुत सारे बासी चपाती लेकर जाती थी, किसके लिए? जो गांव में जो विलेज डॉग्स होते हैं उसके लिए लेकर जाती थी, और वो उन्हें जब वो कुशवंत सिंह स्कूल जाता था ये यहाँ पर डॉग लोग को दे करके टुकड़ा टुकड़ा करके दे देती थी डॉग लोग को बासी चपाती, व्हिच दे यूज टू फीड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल। वापस आते समय वो देती थी। द ग्रैंड मदर यूज टू सिट इनसाइड द टेम्पल रीडिंग होली बुक्स वाइल द नरेटर लर्न अल्फाबेट्स एंड प्रेयर्स इन द स्कूल। ओके, दोबारा इसे समझिए, जब नरेटर स्कूल में रह करके अल्फाबेट्स वगैरह सीख रहे, शुरुआत क्लास थी, शुरुआत का दिन था, छोटे समय में जब नर्सरी एल के जिम पढ़ते बच्चे क्या करते हैं? अल्फाबेट्स लर्न करते। उस समय एक समय में उसके ग्रैंड मदर टेम्पल में जा करके होली बुक रीड करती थी। एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, इतना दोस्ती था गांव पे जब थे, छोटा था स्कूल, हमेशा साथ में ले जाया करती थी और मंदिर में जाके होली बुक पढ़ते थे, जब आते थे तो बासी रोटी कुत्ते लोगों को भी फेंक के खिलाती थी। और जब शहर में आते हैं कुछ चेंजेस, सम टर्निंग पॉइंट्स का, द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे मूव टू द सिटी टू स्टे विद द ऑथर्स पेरेंट्स, दो दे शेयर्ड द सेम रूम हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर एकम्पानीड हिम टू द स्कूल। अभी क्या है, शहर में जब आ जाते हैं तो अभी जब कुशवंत सिंह नरेटर इज ग्रोइंग अप एंड नाउ दैट मच अटैचमेंट इज नो मोर, हाउ मच इट वॉज इन विलेज व्हेन ही वॉज स्मॉल आल्सो, दो दे शेयर्ड द सेम रूम, एक ही कमरे में रहा करते थे, तब पर भी जितना पहले था टुगेदरनेस अभी नहीं रहा। ग्रैंड मदर नो लॉन्गर एकम्पानीड हिम टू द स्कूल, इवन स्कूल छोड़ने के लिए साथ नहीं जाती है। सिंस द ऑथर स्टार्टेड गोइंग इन द बस, इन ए बस, और जबकि ऑथर क्या है, बस से जाया करते थे। एज ईयर्स रोल्ड बाय दे सॉ लेस ऑफ इच अदर, और जैसे ही साल बीतते गया इसी तरह वो बहुत एक दूसरे से देखने का कम हो गया, उतना दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्कूल में जल्दीबाजी से उठ करके तैयारी करना और चले जाना, उसके बाद जितना पहले सुबह के समय जब छोटा रहता था तब दादी माँ की इस तैयारी करते, लेकिन अभी ये सारे सब दूरी बनते जा रहा है, ये सारे कम होते जा रहे। मीनवाइल एज देयर वर
नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और इस समय में वो जो गली मोहल्ले में जो कुत्ते हुआ करते थे वो नहीं है। शी टुक द टू फीडिंग द स्पैरोस, तब वह क्या करने लगी, तो स्पैरोस को वो खिलाना शुरू कर दी। स्पैरोस, स्पैरो जो गैरीला होते हैं, चिड़िया होते हैं, उसे वो खिलाना शुरू कर दी दाने। अनलाइक विलेज स्कूल द ऑथर वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स व्हिच ट्रैवल्ड हिम ग्रैंड मदर। जिस तरह गांव में क्या होता है, कई बार इस तरह रिचुअल ईश्वर के बारे में और भक्ति संबंधित पढ़ाया जाता था, वो सारे चीज उसे शहर में नहीं पढ़ाया जा रहा, इसलिए बहुत ही वो ट्रैवल मन उसे देख करके उसको समझ करके ग्रैंड मदर नाखुश थी। शी डिड नॉट बिलीव इन व्हाट वॉज बींग टॉट एट हिज स्कूल अन वॉज अनहैप्पी एट शी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन। और उसके बाद यकीन नहीं होता था किस तरह का पढ़ाया जा रहा है शहरों में, और उसके लिए वो नाखुश थी, क्योंकि जो गांव में जिस प्रकार का पूजा पाठ करने संबंधित एक डिवोशन लाइफ जो पढ़ाया जाता था, शायद छोटे समय में सब सिखाया जा रहा था, लेकिन बड़े जब हो गए तो साइंस ये सारी चीज़ पढ़ाया जाता है, तो इस सारी चीज़ों से असंतुष्ट थी वो, क्या लेसन को वो मदद करेगी इन सारी चीज़ों। मोर ओवर सी वॉर डिस्टर्ब एट द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन बींग गिवेन एट स्कूल एज सी कंसिडर्ड म्यूजिक टू बी अनसुटेबल ऑफ जेंटल फॉल्क। और उससे भी वो नाखुश थी, जो म्यूजिक लेसन थी संगीत का उसे खुश नहीं थी, और एक कहती थी एक कुलीन समाज, जेंटल फॉल्क मीन्स कुलीन समाज या अच्छे समाज, एक कुलीन समाज के लिए उचित नहीं है इस तरह का पढ़ाई, इस तरह का सब्जेक्ट। हर डिस अप्रूवल वॉज कॉन्स्पिशस इन हर साइलेंस, और उसका जो असंतुष्टि प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा था। Another point is there, the grandmother combats her loneliness by feeding the sparrow. और grandmother क्या करती थी, पहले grandson था कुशवंत सिंह, narrator was with him, with her always, but now she is always, जैसे वो बड़ा होते गया थोड़ा सा डिट्रैचमेंट, थोड़ा अलग होते गए, अब क्या कर रही है, इसका समय स्पैरोस को दाने खिलाने में समय बिताती है। When the author started going to the university, he was given a room of his own. जब वो शहर में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में चला गया तो उसे रहने के लिए अलग से अपने एक कमरा मिला। It resulted in a future for the gap between them. और ये और भी गैप, जो दादी माँ के साथ जो नज़दीकी थी और भी गैप बनता गया। She accepted her loneliness and rarely spoke to anyone. And she accepted, she understood that maybe this is the time he has to study and he has to go, this is the life. And he accepted these things. And afterwards what's happened, very rare case only she is to speak to anyone. बहुत ही कम है बोला करती थी दूसरे से। All day long she sat spinning the wheel, जो धागा ऐसा चरका होता है ना उसे चलाते हैं, वो पूरे दिन वही काम क्या करती थी, स्पिनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। सी रिलैक्स फॉर ए शॉर्ट टाइम ओनली इन द आफ्टरनून, और ये सारे काम करने में स्पिनिंग करती थी चरखा में और रिसाइटिंग प्रेयर्स हर प्रेयर्स, और थोड़े समय वो लेती थी आराम करने के लिए आफ्टरनून में। टू फीड द स्पैरो, वो आराम भी नहीं करते उस समय, क्या करते, चिड़िया को दाने खिलाती थी, स्पैरोस मतलब गोरिल्ला को दाने खिलाया करती थी। हु केम इन द इन लार्ज नंबर्स द बॉन्ड एंड लेवल ऑफ कंफर्ट दे शेयर्ड विथ हर इज इविडेंट इन द फैक्ट दैट दे पर्च्ड इवन हर लेग्स और हेड, और उसकी जो लेवल है, उसकी जो बॉन्ड मतलब जो बंधा हुआ जो उनकी कंफर्ट है, ये सारी चीज इसी से शेयर करना, उसी चीज़ों से बिताना, उसके पैर से, उसके सिर से, इस चीज़ों से ही उसका गुजर मन बीतते गया। सी यूज टू बी एट हर हैप्पीएस्ट सेल्फ वाइल फीडिंग द स्पैरो, और हमेशा सबसे खुशी का पल जो था स्पैरो को खिलाते समय,
हो सकता है छोटे समय अगर आप याद करेंगे जब साथ में स्कूल जाया करते थे, जब विलेज में थे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। लेकिन अब जो है उसके लिए सबसे अच्छा पल जो चिड़िया को दाने खिलाती है, वो सबसे बेहतरीन अवसर, बेहतरीन खुशी का पल था ग्रैंड मदर के लिए। सो हियर नेक्स्ट पॉइंट, ऑथर लिव्स फॉर हायर स्टडीज। अब ऑथर्स कहाँ हैं, हायर स्टडी के लिए जा रहा है। पहले विलेज में स्टडी किया, उसके बाद टाउन में, देन ही इज गॉन टू यूनिवर्सिटी, देन नाउ ही इज गोइंग टू फॉर हायर स्टडी, ही इज लिविंग होम एंड गोइंग। द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, वो विदेश जाने के लिए फॉर दर स्टडीज। ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट एट हिज डिपार्चर। वो जानता था कि मैं अगर जाऊँगा तो मेरे दादी माँ अपसेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे जो इंग्लिश का शब्द मैं लिखा हूँ, किताब से अलग हटके अलग सिंपल शब्द का एक्सप्लेन किया हूँ ताकि आप लोग को समझने में कठिनाई ना हो, आप पढ़ते समय भी इसे आराम से समझ सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम अप बट डिड नॉट शो एनी इमोशन। और रेलवे स्टेशन में उसका दादी माँ आ गई लेकिन अपनी इमोशन को नहीं दिखाई, उसके अंदर जो इमोशन था उस फीलिंग्स को नहीं दिखाई। शी वॉज ऑब्जर्व इन हर प्रेयर, और पूरा शांत होकर जो मनी मन में जो बंधी हुई थी अपने दुआ में, अपने प्रेयर में, टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और जो रोजरी इसी खाली वो करती जा रही, माला जपते हैं ना वो रखकर। शी साइलेंटली किस्ड द ऑथर्स फॉरहेड, और साइलेंटली उसके माथे पे चुमती है, व्हिच द ऑथर कंसिडर्ड टू बी सपोर्टली द लास्ट ऑफ देयर फिजिकल कॉन्टैक्ट। वो समझता है शायद मेरा जो फिजिकली हम लोग आपस में बात करते हैं, आपस में छूते हैं, ये अंत के लिए, अंतिम क्षण के, अंतिम बार के लिए है, इस तरह उसने सोच ली है ऑथर। एंड उन्होंने ऑथर्स होम कमिंग, पढ़ाई करने गए, देन ऑथर्स वापस आते अपने हायर स्टडी से। On his return after 5 years, the author did not find any change in his grandmother. जब 5 साल के बाद आते हैं अपने घर तो देखते हैं अपने दादी माँ के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। She was as old as ever, हमेशा जैसे जितना बुजुर्ग होती थी उस तरह ही है, and remained ऑब्जर्व इन हर प्रेयर, जिस तरह पहले दुआ में हमेशा रहा करती थी, प्रेयर में रहा करती थी, उसी तरह अभी भी हैं। इवन द डे द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर हर वॉज फीडिंग द स्पैरो, और सेम थिंग पहले भी जिस तरह उसके लिए सबसे खुशी का पल कौन सा था, स्पैरो को, चिड़िया को दाना जो खिलाती थी वही था, आज भी वही है। 5 साल के बाद भी बराबर उसके दादी माँ जो है उसी तरह है। इन द इवनिंग For the first time ever, she did not pray. पहली बार के लिए एक शाम को प्रेयर नहीं की। She collected several ladies of the neighborhood and sang song related to the homecoming of the warrior. She had to be persuaded to stop singing in order to avoid overstraining, और उसके बाद में क्या, कोई जो शरीर में जो तनाव था, जो overstraining था, उसके चलते उनको बोली अभी बंद करिए। However, the next day she was taken ill, और उसके बाद से वो बीमार पड़ गई, दूसरे दिन से बीमार पड़ गई। Grandmother's death, though diagnosed with the mild fever by the doctor, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर जब चेकअप किया तो उसे थोड़ा सा बुखार था। ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड वाज नियर, ग्रैंड मदर जानती थी जब कभी मौत करीब आता है ना तो समझ में आ जाता है कई बार। सो ग्रैंड मदर शी परसीव्ड हर इन हर आफ्टरवर्ड, ही थॉट दैट मौत अभी करीब आ चुका। शी डिसाइडेड टू स्पेंड द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग हर बिड्स, और सोची कि प्रेयर में अपना जो लास्ट क्षण है वो समझ गई कि मेरा अंत आया है, इसलिए अपने प्रेयर में समय बिताने के लिए और टेलिंग हर बिड्स। सुन
बीट्स मतलब मोती जो है सुन हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड शी डाइड। उसके बाद उसका लिप जो मुंह जो चलता था इस तरह वो बंद हो गया, शांत हो गया, उसके बाद वो गुजर गई, उनका देहांत हो गया, शी डाइड। एंड दिस स्पैरोस दे वेर फेड बाय ग्रैंड मदर, नाउ दे आर गोइंग टू गिव ट्रिब्यूट। डू यू नो टू ट्रिब्यूट समटाइम पीपुल आर गिविंग, जो उनको माला अर्पण करके ट्रिब्यूट किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है उनको मरणोपरांत। उस तरह चिड़िया लोगों ने यहाँ पे आकर के ट्रिब्यूट देते। द फैमिली वेंट टू मेक अरेंजमेंट फॉर द ग्रैंड मदर्स फ्यूनरल, और पूरे परिवार फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट करने के लिए चले गए उन्हें दफनाने के लिए। एट द केम विथ ए स्ट्रेचर दे स्टॉप्ड मिड वे टू फाइंड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो स्कैटर्ड अराउंड हर डेड बॉडी। जब वो सब पहले क्या करते हैं, डेड बॉडी को दफनाने के लिए पहले जाते हैं खुदाई करने के लिए, वहाँ पर पूरी तैयारी करने जाते हैं। जब उन्हें तैयारी करके आ रहे थे तब देखे बहुत सारे चिड़िया जो स्पैरस गोरिल्ला जो है बैठे हुए थे, पूरा चारों तरफ फैले हुए थे बहुत चिड़िया उनके डेड बॉडी के पास में बैठे, किसके, ग्रैंड मदर के। डियर स्टूडेंट्स, कई बार जानवर भी हमसे इंसान ज़्यादा समझ में आता है कि वो कितना समझते हैं चीज़ों को, चारों ओर बैठे हुए थे। द स्पैरोस मॉर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर इन अटर साइलेंस, और स्पैरोस क्या है, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं पूरा शांत होकर के। चिड़िया जो चें 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 आवाज निकालती रहती है लेकिन अटर साइलेंट, पूरा शांत होकर इन लोग विलाप कर रहे हैं। लैमेंटेशन या मौन कहते हैं, मौन मतलब विलाप कर, अंदर अंदर से विलाप करना। दे इग्नोर द ब्रेड क्रम्स थ्रोन एट देम बाय द ऑथर्स मदर एंड फ्लू अवे साइलेंटली आफ्टर द बॉडी वॉज कैरिड अवे फॉर क्रीमेशन। और उन लोगों को जो दाना जो क्रम्स मतलब जो झूठा गिरे रहता है उसे कहते हैं, वो सारे फेंका गया था चिड़ियों के लिए, लेकिन ये सारे को इग्नोर कर दिए, उसे वो नहीं खाए। और जब उनके डेड बॉडी को क्रीमेशन के लिए फ्यूनरल सर्विस के लिए, तो उस समय ये चिड़िया लोग क्या है, उदाहरण जैसा कोई चीज पड़ा था लेकिन इन लोग क्या है खाए नहीं, और चिड़िया भी उड़ के चले गए। द ब्रेड क्रम्स वेयर क्रम्स वेयर स्वेट अवे द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड इट पुट इन टू डस्टबिन, और जितने दाने फेंका गया था चिड़िया लोगों ने नहीं खाए, उसे फिर सुबह झाड़ू लगा करके उसे डस्टबिन में फेंका गया। दिस द ट्रिब्यूट फ्रॉम द स्पैरोस फॉर द ग्रैंड मदर। मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी जो है बहुत सरल शब्दों में इसे समझाया गया है, आप लोग को समझ में आया है। इसके स्टोरी का जिस्ट जो है, कहानी का निचोड़ जो है यहाँ, द फैक्ट दैट जनरेशन गैप इज नॉट एन अनसप्रेसेबल गल्फ इज कैरेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट ए वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया ओवरपावर अस व्हेन वी थिंक ऑफ द सिंपल एंड सैरेन डेज ऑफ आवर चाइल्डहुड स्पेंट विद पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर्स ग्रैंड पेरेंट्स। हम क्या करते हैं ना, हमारे जो अंदर गैप आ जाता है, हमारे बचपना किस तरह गुजरता है, हमारे दादी माँ ग्रैंड फादर के साथ हम लोग किस तरह पेश आते हैं, वो सारे गैप बन जाता है। वी माइट ग्रो अप एंड ग्रो अपार्ट बट द मॉरल एंड प्रिंसिपल्स इंस्टिल्ड इन अस बाय द ओल्डर जनरेशन रेफ्यूज टू डाई। और हमारे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो पुराने जो हमारे ग्रैंड फादर के फादर जो पुराने हमारे रीति रिवाज, हमारे जो कल्चर, हमारे जो नैतिकता है, ये सारे को हम लोग क्या रेफ्यूज कर लेते हैं और हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। एज वी ग्रो अप वेरियस टास्क एंड इंटरेस्ट अट्रैक्ट आवर अटेंशन लिविंग अस विद लिटिल टाइम टू रियलाइज दैट वी माइट बी द ओनली इंटरेस्ट ऑफ समवन इन आवर फैमिली। और ये हमारे लिए समय देता है कि हम रियलाइज करें, स्पेशल दोज आर इन फैमिली, वी एंड अप बीइंग सो बिजी दैट दोज साइलेंट स्टेप द ओल्ड वन टेक टू रिट्रीट फ्रॉम आवर लाइव्स आर रेयरली नोटिस।
The story by Kushwant Singh is an attempt to celebrate those childhood years spent with his grandmother when the simple pleasure of chanting of Guru Vani and feeding the dogs kept the dew busy. There might not be anything dramatic in their routine, but the way she took care of the smallest of his needs and worked for his education shows the depth of their relationship. And किस तरह वो अपनी दादी माँ के बारे में याद करता है और किस तरह अपने दादी माँ का स्वभाव है वो सारी चीज़ों को बयान करता है. बट एज ए ट्रू ऑफ एवरी गुड थिंग दिस बर्निंग हैड टू फेस द टेस्ट ऑफ टाइम वेन द राइटर्स पेरेंट्स टुक बोथ ऑफ देम टू द सिटी थ्रोइंग देम आउट ऑफ देयर हम्बल अबोर्ड इन टू अ सिटी व्हिच टुक द अटेंशन ऑफ द child and drove them a little apart ever passing day. Although the generation gap widened in the city, they still loved one another. She silently lent him support when she went to study abroad. Her death left a void in Kushwant Singh's life, even though he felt blessed for having had her as a part of his life. Aap sabhi story ko वेरी सिंपल वर्ड में लिखा गया है, इसे आसान समझ सकते हैं. और किसी प्रकार का डाउट्स होगा अवश्य आप लोगों ने इस पर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करिए. जो चीज़ समझ में नहीं आया उसे हम प्रयास करेंगे कि आपका जो भी डाउट्स होगा उसे हम क्लियर करेंगे. थैंक यू.